खूनी और रविवार। जैसा कि देखिए इसमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें खून बहा होगा और साथ ही साथ जो दिन था वो रविवार था, इसीलिए जो कि इसका नाम पड़ा वो क्या पड़ा, हमारा खूनी रविवार पड़ा। लेकिन इसका कारण क्या था, ये क्यों हुआ, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको लेके चलते हैं कि रूस और जापान के युद्ध के बारे में। ठीक है, तो रूस और जापान के बीच जो युद्ध हुआ था हमारा, वो हुआ था 1904 से 1905 के मध्य में हुआ था। क्या, रूस और जापान के युद्ध के बारे में, रूस और जापान के युद्ध के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसमें क्या हुआ था। ये जो कि आपको हुआ था, इसके बीच युद्ध हुआ था, रूस और जापान के बीच युद्ध हुआ था 1904 से 1905 के बीच में हुआ था। यह जो कि तारीख आपको याद रखना है, कब हुआ था, 1904 से 1905 के बीच में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, देखिए इसमें जो कि था, रूस जो कि था पराजित हो गया था, रूस पराजित हो गया था यानी हार गया था, और जापान जो कि था जीत गया था यानी विजय प्राप्त कर लिया था इस युद्ध में। ठीक है, तो इसको जो कि है हार मिला, इसको जो कि है जीत मिला इस युद्ध से। ठीक है, तो अब देखिए इसको जो कि है जीत मिला, तो इसी जीत को चलते, जापान के इसी जीत को चलते इसे विश्व में उभरने का मौका मिला। लेकिन जो कि है अमेरिका द्वारा जो कि है देखा नहीं गया, जो कि है 40 साल बाद लगभग 1945 में यानी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसके दो गो शहरों को, हिरोशिमा और नागासाकी पर एक 6 अगस्त को एक 9 अगस्त को परमाणु बम गिराकर इसे जो कि है बम ब्लास्ट कर दिया गया, यानी इसे जो कि नष्ट कर दिया गया। ठीक है, तो इससे हमको कोई लेना नहीं है, हमको इसको लेना देना है रूस से, रूस के हार के, क्योंकि इसी के चलते जो कि है दो घटना हुआ, एक जो हुआ हमारा क्रीमिया का युद्ध और दूसरा जो कि है आपका खूनी रविवार। ठीक है, तो इससे जो कि है दो महत्वपूर्ण घटना निकल के आया, एक जो कि है हमारा क्रीमिया का युद्ध और दूसरा जो कि है हमारा खूनी रविवार। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं खूनी रविवार के बारे में। ठीक है, तो क्रीमिया का युद्ध जो हुआ था वो जो कि किसके चलते हुआ था, रूस के पराजय के चलते क्रीमिया का युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें जो कि है विदेशी घटनाओं का बहुत महत्वपूर्ण जो कि भूमिका रहा, और साथ ही साथ इसी जो कि है इसी युद्ध के चलते जो कि है रूस में जो कि है पहली क्रांति को जन्म दिया। क्रीमिया का युद्ध से ही रूस में पहली क्रांति का जन्म हुआ, और साथ ही साथ बोल्शेविक क्रांति जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए मार्ग प्रशस्त यानी उसका रास्ता तैयार किया। ठीक है, तो समझ गए होंगे क्रीमिया का युद्ध क्या है। ठीक है, और जो कि है अब हम समझ जाते हैं खूनी रविवार। ठीक है, तो खूनी रविवार जो है ना, इसमें क्या हुआ था, जो कि है रूस हार गया था, तो यहाँ की जो जनता थी रूस की, ठीक है, जो साधारण गरीब लोग थे वो क्या कर रहे थे, जो कि है रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, जिससे जार की सेना क्या करी, बौखला कर जो कि है उस पर गोलियां चलाई, जिससे लाखों लोगों का जो कि है खून बहा, बहुत से लोगों की जान गई। ठीक है, इसीलिए जो कि उसको क्या करते हैं हम लोग, जो कि है इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आया एक शब्द जार। ठीक है, तो जार का मतलब क्या होता है, तो पहले समय में रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। ठीक है, तो यही जो सम्राट था वहां के रूस का, तो वहां पे जो साधारण जो कि लोग थे जो जा रहे थे रोटी दो नारे के साथ, तो उस पर जो कि है गोलियों का बौछार कर दिया अपने सेना से और जो कि है अपने लोगों यानी अपने आदमी से। ठीक है, कितने तारीख को, तो जो कि है 9 जनवरी 1905 को वो जो कि है क्रांति हुआ, जिसमें लोग रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जा रहे थे, जिससे जार की सेना बौखलाकर इस पर जो कि है गोलियों का प्रहार करा दिया, जिससे लाखों लोगों का खून बहा, बहुत से लोगों की जाने गई, इसीलिए इसे इतिहास में लाल रविवार या खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। समझ गए होंगे कि खूनी रविवार क्या है। ठीक है, तो यह कब हुआ था घटना, 9 जनवरी 1905 को यह घटना हुआ था। ठीक है, और इसे जो कि है एक और प्रश्न आता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो कि है इसका तारीख क्या है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि है आपके पुराने कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है, तो हो जाएगा आपका 22 जनवरी जो कि है आपका 1905। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो कि खूनी रविवार कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1905। ठीक है, और पुराने कैलेंडर के अनुसार तो 9 जनवरी 1905। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि खूनी रविवार क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें अपने जो कि है मुख्य टॉपिक पर, जो है कि हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो कि है समाजवादी आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसका निर्माण जो कि है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ पढ़ना है। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है,
तो यह जो कि है समाजवादी समाजवादी आंदोलन के इतिहास में एक यह जो कि है एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। ठीक है, इसका निर्माण जो कि है 1864 ईस्वी में हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। ठीक है, 1864 ईस्वी में जो कि है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसका जो कि है श्रेय जाता है किसको जाता है? तो इसका श्रेय जाता है जो कि है एक जो कि एक व्यक्ति को जाता है, वो है हमारे एक कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी जो कि है समाजवादी को जनक भी बोलते हैं। इसे आधुनिक समाजवाद का जनक भी यही कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। कार्ल मार्क्स को आधुनिक समाजवाद का जनक भी कहते हैं। इन्होंने एक बुक लिखा दास कैपिटल। दास क्या है? दास इनके पुस्तक का नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल ठीक है, 1867 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखा दास कैपिटल। ठीक है, जिन्हें समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो कि है वो जो कि है निर्माण जो कि था 1864 में हुआ, इसका जो कि श्रेय जाता है वो किसको जाता है? कार्ल मार्क्स को जाता है। इन्होंने एक जो कि है पुस्तक लिखा, इनको जो कि है क्या बोलते हैं? आधुनिक समाजवाद का जनक भी इन्हें माना जाता है, कहा जाता है, अब माना भी जाता है। ठीक है, इन्होंने 1867 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा, वो पुस्तक कौन था हमारा? दास कैपिटल, यानी पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का क्या बोलते हैं? बाइबल बोलते हैं, समाजवादियों का बाइबिल, बाइबिल कहते हैं। किसे कहते हैं? दास कैपिटल को। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या था। और साथ ही साथ इसमें जो कि है एक नारा जो कि है बहुत प्रचलित हुआ, वो नारा क्या था हमारा? अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, तो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये जो कि है किस अंतर्राष्ट्रीय संघ में दिया गया था? और ऑप्शन में आपको दे देगा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, तृतीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, इनमें से कोई नहीं। तो आप जो कि अच्छे से जब स्टडी किए रहिएगा तभी जाके आप जो कि है इसको मार सकिएगा कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ में जो नारा दिया गया था अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ठीक है, तो ये किस संघ में दिया गया था? तो प्रथम, ठीक है, प्रथम में दिया गया था। तो आई होप लोग जो कि आप समझ गए होंगे कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ क्या है। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ जो कि है आपका जो कि है 14 जुलाई, कब? 14 जुलाई। ठीक है, ये भी जुलाई का महीना है, 14 जुलाई जो कि है 1889, कब? 1889 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, कब? 14 जुलाई 1889 को पेरिस में, कहाँ पे हुआ था? पेरिस में एक सम्मेलन हुआ, पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें 20 देश और लगभग 400 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। इसे ही जो कि है इससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है या कहते हैं। क्या हुआ था इसमें? इसका जो कि है इसमें जो कि है 14 जुलाई 1889 को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ। क्या कैसे लिखेंगे इसको? कि 14 जुलाई 1889 ईस्वी को पेरिस में एक सम्मेलन हुआ जिसमें 20 देश, कितने देश? 20 देश और लगभग 400 प्रतिनिधित्व भाग लिए थे। इसे ही इतिहास में जो कि है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो कि है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और जो कि है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, अब जो कि है इसमें बात कर लेते हैं, एक और इसमें टॉपिक आएगा जो कि है सर्वहारा वर्ग। ठीक है, तो सर्वहारा वर्ग जैसा कि नाम से ही है इसमें है कि सर्वहारा। ठीक है, इसमें जो कि सभी जो साधारण लोग जो होंगे वही इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कि है रूसी समाज का एक ऐसा वर्ग जिसमें साधारण लोग, गरीब जनता, जितने भी गरीब तबके के लोग थे वही इस वर्ग में शामिल थे, जिसे सर्वहारा वर्ग कहा गया। ये जो कि है सर्वहारा वर्ग आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद एक बार पूछा गया यह जो कि है आपके प्रश्न है कि सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर के लिए आया हुआ था। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ और जो कि है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।